हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रीमोहन मीना है और मैं सरमथरा से हूँ। वैसे एक्चुअली मैं 2017 में पास आउट, मतलब 2017 में मेरा 12th के साथ IIT रुड़की में हो गया था। आप 12वीं के साथ सिलेक्ट हुए IIT रुड़की में? 12वीं के साथ आप 10th पास कर सिकत ले गए थे? हां, 10th 11th 12th मैंने सिकत से की थी और मेरी 12th में 88% थे। और क्या है, 10th में नॉर्मली गांव में पढ़ा था सरमथरा में, तो क्या 81 थे नॉर्मली गांव से गया था। और जब गया था, जब ऐसे बिल्कुल पता नहीं था कि IIT NIT क्या मतलब होता क्या है, इनके बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ पे गया, जब जाके पता चला अच्छा ये करने आए हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था 11th 12th करने के बाद BSc या जो भी करेंगे, अभी पता ही नहीं था कि करने क्या जा रहे हैं। वहाँ पे जाके पता चला अच्छा IIT होती है तो IIT करनी है। तो एक तो मेन चीज़ ये है कि CLC वहाँ पे जो माहौल बनता है ना पढ़ने का, वो सबसे बेस्ट है। वहाँ पे जो बॉस के साथ शाम को जो असेंबली होती है उसका, कल अपन शाम को एक टॉपर था जैसे गोपाल राम धीरू, जो साथ में मेरे हुआ था सेलेक्ट, तो उसके साथ अपन डिस्कस कर रहे थे कि अपने CLC में जो बेस्ट टाइम था वो क्या था। तो एक तो यही है कि वहाँ का माहौल है वो सबसे अच्छा है। वहाँ पे शाम को जो असेंबली होती है, हनुमान चालीसा होती है, वो सबसे बेस्ट था। और जो रात को कैंप लगता है वो, मतलब कहीं पर भी ऐसे लाइब्रेरी वगैरह वो ज्वाइन कर सकते हो, वो तो अलग बात है, लेकिन जो कैंप है उसमें साहिल सर के साथ चाहे पेपर डिस्कशन हो चाहे कुछ भी हो, सब जो अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट थे। और क्या कहते हैं, आप ना यहाँ से नॉर्मली एक पूरा गाइडेंस वहाँ पे जो मिलता है वो आपको एक तरह, आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो ये तो है कि आप अच्छे इंसान बन के जरूर आएंगे वहाँ से। थैंक यू।